देव बहादुर के बारे में हम कथाएं वार्ताएं उनका जीवन चरित्र सुन करके हम अपने आप को निहाल समझेंगे। पूरब की यात्रा के दौरान, पूरब की यानी इलाहाबाद, पटना, आसाम, ये पूरब हो गया। इस यात्रा के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी भी पटना आए हैं और भगत जैतामल को दर्शन दिया। यह भगत जैतामल कौन है इसके बारे में भी हम थोड़ा इतिहास सुन लें। सारसंडी पटना साहब में गुरुद्वारा गौ घाट के नाम से स्थान है। यह हरमंदर साहब के बाजू में ही है। बोल बोलना। और इस स्थान को पहले विश्वम्भरपुर के नाम से जाना जाता था। शासन जी इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी पहले और फिर गुरु तेग बहादुर जी आए हैं। शासन जी यहाँ पर एक भगत रहते थे जिनका नाम था जैतामल। संयमी, संतोषी, सत्य व्यवहार के करने वाले हैं। भक्ति के लिए तीनों गुण आवश्यक है। क्या मैं संयमी हूँ, क्या मैं संतोषी हूँ, क्या मैं सत्य व्यवहार करता हूँ। बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। उठत सुखिया सकल घटा का अंतर जामी, 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 सकल घटा का अंतर जामी। सासानी गुरु नानक देव जी जैतामल के पास आए। भगत जैतामल की उम्र उस वक़्त 350 वर्ष की थी, 350 ईयर्स, 350 साल। भगत जैतामल ने गुरु नानक को अरदास की, सच्चे पाछा अब मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। बोल गुरु नानक देव की जय। संसार के सब
कार्यक्रम मैंने देख लिए, दुख सुख संजोग संजोग मान अपमान सब देख लिए। अब मुझे अपने चरणों का दान बख्शिए। बोल गुरु नानक कर दे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक जी फरमाते हैं, और अब मुझे गंगा स्नान करने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। उम्र भी हो गई है, शरीर भी हो गया है, इतना दूर जाने में मुझे तकलीफ होती है। गुरु नानक जी बोलते हैं, भगत जी अभी तुम्हारी मुक्ति का समय नहीं है, हमारे चरणों में आने का समय नहीं है। बोल गुरु नानक, नहीं नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है। और संसार के सुख भी तुम्हें भोगने हैं, इसीलिए हम तुम्हारी मुक्ति करेंगे नौवें स्वरूप में। जब गुरु तेग बहादुर का रूप धारण करेंगे तब तुम्हारी मुक्ति करेंगे। बोल गुरु नानक देव की। तब तक तुम बेफिक्र होकर भजन बंदगी करते रहो। बोल गुरु नानक देव की। हम माता गंगा से विनती करते हैं कि वह तुम्हें यहाँ आकर के नहलाएगी। बोल गुरु नानक देव की। सत्य साथ संगत जी, भाई जैतामल जी बोलते हैं, सत्य पाठा यह सत्य है, आपके वचन सत्य हैं, कभी आपके वचन झूठ नहीं हो सकते। लेकिन माता गंगा अगर यहाँ आएगी तो जहाँ से आएगी, जहाँ से निकलेगी, दूसरी संगत को तकलीफ होगी, पटना शहर की दूसरी संगत को तकलीफ होगी। जहाँ से नदी आएगी तो स्थान खाली करना पड़ेगा, वहाँ आजू बाजू में निवास नहीं कर सकते, थोड़ा दूर करना पड़ेगा। तो इतना तकलीफ यह उचित नहीं है सच्ची पाचा, मैं लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता। बोल गुरु नानक देव। शासन जी, गुरु नानक ने कहा ठीक है, हम गंगा को इधर आने की तकलीफ नहीं देंगे, हम गंगा को हुक्म करेंगे प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन गऊ का रूप धारण करके यहाँ पर तुम्हें कुंड बुला लेना, वहाँ पर तुम्हें नहलाएगी। बोल गुरु नानक देव की। और मैं किसी को तकलीफ क्यों दूँ? बोल गुरु नानक देव की। और जब हम गुरु तेग बहादुर के रूप में आएंगे तो तुम्हें निहाल कर देंगे। बोल गुरु नानक देव। भाई जैतामल पूछता है, सच्चे पाचा आप गुरु तेग बहादुर के रूप में आएंगे तो मैं आपको पहचानूंगा कैसे, मैं आपको पहचानूंगा कैसे, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? शासनी, गुरु नानक जी बोलते हैं, भगत जी वो तुम्हें पहचान खुद हो जाएगी। बोल गुरु नानक देव, उसका तुम ख्याल नहीं करना। शासनी, आज से गंगा तुम्हारे यहाँ गौ का रूप धारण करके आएगी और जो कुंड तुम बनाओगे उसमें डालेगी और तुम नहाओगे। बोल गुरु नानक देव की। गाँव के लोग भी परेशान नहीं होंगे। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु रामदास, वाह गुरु अम्बा।
अर्जन देव वाहो गुरु अर्जन देव वाहो गुरु अर्जन देव वाहो गुरु अर्जन देव सासा जी इस स्थान का नाम गाय घाट से नाम से प्रसिद्ध होगा कहीं गाय घाट बोलते हैं कहीं गौ घाट बोलते हैं बोल गुरु नानक देव शासन जी श्री गुरु नानक देव जी के वचन अनुसार भगत जैतामल को उस स्थान पर गाय माता जो वास्तव में गंगा माता थी गाय के रूप में दर्शन देती थी उस कुंड में दूध डालती थी नहाने का सामान डालती थी मुंह से कहीं लिखा है दूध देने का स्थान से बोल गुरु नानक देव सासनी और उन्हें स्नान कराती रही बोल गुरु नानक देव की जय सासनी इस तरह से माता गंगा भगत जैतामल को स्नान कराती रही बोल गुरु नानक देव की जय और भगत जैतामल स्नान करते रहे बोल गुरु नानक देव की जय और भगत जैतामल गुरु तेग बहादुर का इंतजार करने लगा बोल गुरु नानक देव की जय सासा जी आठवें गुरु श्री हरकृष्ण देव जी के बाद तेरी हरे कृष्ण धियाइए तेरी हरे कृष्ण धियाइए तेरी हरे कृष्ण धियाइए तेरी हरे कृष्ण धियाइए जैसे डटे सब दुख जाए जैसे डटे सब दुख जाए समानुसार श्री गुरु तेग बहादुर जी आए अब दरवाजे बंद थे एक खिड़की खुली थी भाई जैतामल इंतजार कर रहा है उस दिन का जब गुरुदेव आएंगे कड़े खुड़काए गए खड़ 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 भगत जैतामल जी आप दर्शन दीजिए अब कहाँ भगत जैतामल जी सुनते हैं वो तो भक्ति में लीन थे यह सुन करके अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए उन्होंने भगत जैतामल को बताया आवाज दिया भाई तुम्हारे घर में गुरु तेग बहादुर जी आए हैं तुम जाओ जाओ दरवाजा खोलो उनके दर्शन करो अब
गुरु तेग बहादुर जी के साथ कौन कौन था? संगत, संगत, माता नानकी, गुरु तेग बहादुर जी की माता, माता गुजरी, गुरु तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी, गुरु तेग बहादुर का साला मामा कृपाल चंद, बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी, तो लोगों ने जाकर के और बाहर से भगत जैतामल को समझाया, भाई तुम्हारे घर में गुरुदेव आए हैं, दरवाज़ा खोलो। तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। गुरु तेग बहादुर अगर गुरु नानक के नवमे रूप है तो आप ही आ जाएंगे। मन ने, गुरु तेग बहादुर ने यह सुनकर के सूक्ष्म रूप धारण किया, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके खिड़की के सहारे, खिड़की से पूरी संगत के समेत प्रवेश किया। सब संगत ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया गुरु तेग बहादुर की कृपा से। मन ने पावे मोक द्वार, 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 मन ने परिवार साधार, मन ने परिवार साधार, मन ने परिवार साधार, मन ने परिवार साधार, मन ने तरे तर गुर सिख, मन ने तरे तर गुर सिख, मन ने जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु, वाहो गुरु नानक देव, विराजे गुरु तेग बहादुर जी, जहाँ गुरु नानक देव जी विराजे थे। भगत जी उठो, दर्शन दे, बोल गुरु नानक देव, दर्शन दे। भगत जी उठो उठो उठो, भगत जी जैतामल जी उठे, गुरु तेग बहादुर को प्रणाम किया। गुरु तेग बहादुर उस वक्त उन्हें गुरु नानक देव लग रहे थे, ये तो गुरु नानक है, अरे ये तो गुरु नानक है, बोल गुरु नानक देव। निश्चय होगा कि गुरु तेग बहादुर ही गुरु नानक है, बोल गुरु नानक देव। एक ही ज्योत है, बोल गुरु नानक देव। एक ही शक्ति है, बोल गुरु नानक देव। खिड़की से सूक्ष्म रूप धार करके आए हैं, बोल गुरु नानक देव। सासानी उनका दर्शन करते ही भगत जैतामल जी ने
गुरु तेग बहादुर को अरदास किया, सच्चे पाचा अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। आप ही ने कहा था जब मैं नवम नानक के रूप में आऊँगा, तेग बहादुर के रूप में आऊँगा, तुम्हारी मुक्ति करूँगा, आप मुझे मुक्ति करो। बोल गुरु नानक देव की, मैं मूरख की के तक भात है, ओट परादी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, मैं मूरख की के तक बात है, ओट परादी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर बात न परियारे। भगत जी तुम अपराधी नहीं हो, सच्चे पाचा आपके नाम में शक्ति है। बोल गुरु नानक देव, आपके नाम में शक्ति है। बोल गुरु नानक, और मैं तो हूँ ही अपराधी। बोल गुरु नानक देव की। गुरु तेग बहादुर जी ने के सामने भगत जैतामल ने अपने शरीर को त्याग दिया, और गुरु तेग बहादुर ने अपने हाथों से उसका अग्नि संस्कार किया। वह स्थान गुरुद्वारा गौ घाट के नाम से प्रसिद्ध है, आप भी जाके दर्शन करना। बोल गुरु नानक देव की। श्री हरमंदर साहब आपके बाजू में। बोल गुरु नानक देव की। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। भगत जी का संस्कार करने के पश्चात गुरु जी ने उनके पुराने घर को नए रूप से बनाना शुरू कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। और मकान अभी बन ही रहा था कि राजा बिशन सिंह को बादशाह औरंगजेब ने आसाम जाने का हुक्म दिया। बोल गुरु नानक देव की। जहाँ पर जंतर मंतर बहुत होते थे, जंतरों मंत्रों का शहर है, मुल्क है आसाम। बोल गुरु नानक शासन जी, इसने राजा बिशन सिंह ने गुरु तेग बहादुर को अरदास किया, सच्चे पातशाह आप कृपा करके हमारे साथ चलो। बोल गुरु नानक देव, क्योंकि आपकी आशीर्वाद रहेगी तो हम सोएंगे भी बेफिक्र होकर के, जागेंगे भी बेफिक्र। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, सगल घटा का अंतर जामी, सगल घटा का अंतर जामी, सगल घटा का अंतर जामी। सत्य पाठा हम सोएंगे भी बेफिक्र करके, जागेंगे भी बेफिक्र करके, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। बोल गुरु नानक देव की। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, उठत सुखिया फिक्र से,
जागेंगे भी बेफिक्री से, बोल गुरु नानक देव की जय। जहाँ कहाँ प्रभु तू वार तंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वार तंता, बार सुख पाया, घर सुख वसिया बार सुख पाया, घर सुख वसिया बार सुख पाया, घर सुख वसिया बार सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। बहु गुरु नानक देव, बहु गुरु तेगे बहार, इसलिए आप भी कृपा करके हमारे साथ चलिए। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी ने कारीगरों से कहा कि मकान का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। राजा बिशन सिंह हमारा सिख है, उसकी मनोकामना पूरा करने के लिए हमें उसके साथ जाना है। बोल गुरु नानक देव की जय। सासानी कारीगर ने कहा, सच्चे पाचा आपकी बात सही है, सही है, लेकिन जो आपने लकड़ी बुलाई है वह छोटी बड़ी है, तो कृपा करके आप लकड़ी दूसरी बुलाइए, हम मकान बना देते हैं, आपके कहने से बना देते, जल्दी बना देते। पर गुरु नानक देव वाह गुरु ते गए बहादुर, गुरु ते गए सासानी। अगले दिन, अच्छा भाई कल देखेंगे। बोल गुरु नानक देव की, अभी तो आराम करने का समय हो गया है। बोल गुरु नानक देव। गुरु तेग बहादुर ने अगले दिन के लिए कहा और श्री गुरु तेग बहादुर लकड़ी के थम थम यानी जो जिसके आधार पर अपन कोई पार्टीशन रखाते हैं, जैसे ये पिलर 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 पिलर, जैसे पिलर टाइप कोई लकड़ी होती है, तो सासा जी और कहा ये तो छोटे नहीं है। बोल गुरु नानक जी, कारीगर फिर हाथ जोड़ के करने के, सच्चे पाचा छोटे है ना, माप में छोटे लगते हैं ना। बोल गुरु नानक, सच्चे आप नापिए तो सही। गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं आप रखे तो देखो फिर नापू ना आप रखोगे नहीं और ऐसे मुझे नापने को, आप रखे तो देखो। और जब कारीगरों ने वो थंब जो छोटे थे वो उस पिलर के तरीके से रखे तो वो थंब बड़े हो गए। बोल गुरु तेग बहादुर साहेब की जय। बोल गुरु तेग बहादुर साहेब की जय। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। पाछे बड़े कैसे हो गए। बोल गुरु नानक भाई, परमेश्वर का सिमरण करो सब होता है। बोल गुरु नानक देव की, सब होता है। बोल गुरु नानक देव की। तेग बहादुर के नाम में शक्ति है,
जैसे आप कभी कभी चाहते हैं कि मेरा धंधा अच्छा बढ़ जाए, बोल गुरु नानक देव, तो आप गुरु तेग बहादुर का स्मरण कीजिए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, करे नौ निज आवे नाय, 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 सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब अगर घर में अन्न धन की आशीर्वाद चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाए मेरे पास, आप गुरु तेग बहादुर का स्मरण करिए। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु हर राय साहेब, वाह गुरु हर राय साहेब, साथी पाछाई वाह गुरु हर कृष्ण देव, 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 और गुरु रामदास का स्मरण करिए। पैसे आपके पास आएंगे, कैसे आएंगे? स्मरण करने से भाग्य बनता है। आपके अगर भाग्य में लिखा है पैसा तो मिलेगा। आजकल मैं हाथों पे भरोसा करता हूँ, कीर्तन पे जाने का समय है 8 से 10, तो मैं 8 बजे दुकान खोल के बैठता हूँ, धंधा करता हूँ। यह नहीं कहता कि सिमरन करने से अपने भाग्य को बनाऊँ, तो कौन सा भाग्य बनाऊँगा? सबते उत्तम हर की कथा, इसके साथ वाह गुरु तेग बहादुर का स्मरण, वाह गुरु हर राय साहब का स्मरण, वाह गुरु हर कृष्ण देव का स्मरण, और गुरु रामदास का स्मरण करूं, बोल गुरु नानक। तो आपको अगर पैसे चाहिए तो इन चारों गुरुओं का स्मरण करिए और धन की वृद्धि को आशीर्वाद में पाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु तेग बहादुर। सासनी कारीगर लोग यह चमत्कार देख के हैरान हो गए, हैं? कल तो ये लकड़ी छोटी थी, नापते तो खड़ी नहीं रहती थी, अभी तो खड़ी हो गई। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी, और इन थमों में गुरु तेग बहादुर जी आपकी आशीर्वाद से चमत्कार हो गया है, और किसी में ताकत नहीं है, हमें सब मालूम है, सब करने वाले आप हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी ने कारीगरों का इन थमों में अब शक्ति का संचार हो गया है, और इस स्थान को तुम यहीं छोड़ दो और समय आने पर सिख संगत से पूरा करेंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। वो अब इन स्थान पर थमों की पूजा होगी और इन्हें थम साहब के नाम से जाना पड़ेगा। जो प्राणी सच्चे मन से अरदास करके
जो भी कामना रख करके थम साहब को गले लगाएगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। और उसके शरीर के सब रोग दूर हो जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। जिन स्त्रियों को औलाद नहीं है या जीवित नहीं बचती उसकी भी आशा पूरी होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। यह वर देकर राजा बिशन सिंह के साथ आसाम देश को चले गए और अपना परिवार पटना साहब में छोड़ गए। और वह हो जहाँ गंगा माता गाय के रूप में भगत जैतामल को स्नान कराती, वह खिड़की साहब जहाँ से गुरु तेग बहादुर सूक्ष्म रूप से और उसकी संगत आई थी आज भी वहाँ मौजूद है। बोल गुरु नानक देव की जय। और थम साहब आज भी है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहो गुरु तेग बहादुर, वाहो गुरु तेग बहादुर। सगल घटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। बोल गुरु नानक देव की।